अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज पता करके रहूंगा कौन है ये दोस्त जिससे नविया रोज मिलने जाती है। ये कब आएंगे? कहां रहेंगे डॉक्टर शुक? फोन करता हूं। अरे आप लोग कौन है? अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो, छोड़ ना मत, ताला लगा करो। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैं पेशेंट नहीं हूँ। हर पेशेंट यही बोलता है कि वो पेशेंट नहीं है। अम्मा जी छोड़िए छोड़िए छोड़िए, ये मेरी बेटी है, कोई पेशेंट नहीं। अच्छा इसे छोड़ो, इसको पकड़ो, आज हम ट्रीटमेंट करेंगे। पागल है दोनों, बस करो। कौन है आप? आमी सुंदरी, डॉक्टर सुंदरी दास। डॉक्टर सिन्हा ने भेजा है हमको। आपको है? क्यों, तुमको कोई शौक है? नहीं, डॉक्टर सिन्हा तो आपकी काफी तारीफ कर रहे थे। हाँ हाँ तारीफ करेंगे ना, उनका सारा काम हम संभालते हैं। पूरी बाबा, तो ये है पेशेंट। इतिकाशो, मेरा बैग दो। ये क्या, ये क्या है? अभी हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करेगा। हाँ? ये क्या है, क्या 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 है ये? इससे तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा आज। मुझे ट्रीटमेंट करो। पागल लड़की है तो आज तुम्हारा हम अच्छे से ट्रीटमेंट करेगा। बैठो बैठो, तुम बांध देगा हम। पीछे बोला ना, पीछे। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में नहीं आने का। लल्ला एकदम गुस्सा हो जाएगा। लल्ला उसे कर रहे थे जो करना है। देखो मैंने तुमको बोला ना बीच में नहीं आने का। ए दिखा तमाशा, ए दिखा शो, ए पागल लड़की है, इसका इलाज करेगा हम आज। ये सब क्या चल रहा है? ये इलाज हो रहा है, ये सब इलाज का हिस्सा है। ये पर्वत, ये चाकू, ये सब इलाज। ये बीमार है, हमको पागल कर देगी, आज इसको हम इंजेक्शन देगा। इतनी बड़ी सुई नहीं शुभ, नहीं शुभ, ये अच्छा नहीं है। मुझे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। इतना बड़ा इंजेक्शन, आओ इधर। नहीं 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 नहीं
दादी इतना बड़ा इंज... रहने दो लल्ला, वो डॉक्टर है, उसे पता है वो क्या कर रही है। अरे घर में ही है, कहाँ जाएगी? इसका इलाज मैं करेगा, तुम जाओ। तुम्हारी खैर नहीं नैना। शगुन क्या हुआ, झटका लगा? शिव को बुलाओगी? बुलाओ शिव को, उससे तो सबको आसानी से पता चल जाएगा कि तुम पागल नहीं हो। तुमने देखा नहीं, घर में किसी ने भी मुझे नहीं पहचाना, और अगर तुम पहचान लोगी फिर तो तुम्हें पता है ना, अभी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहती हो। अगर तुम बोलोगी तो फंसोगी, और अगर नहीं बोलोगी तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूं। चलो चलो मेरे साथ आओ, चलो, चलो। आज हम तुम्हारा इलाज करेगा, तुम्हारा दिमाग ठीक करेगा हम। अरे डॉक्टर, बहुत गेम खेल लिया तुमने, आज तुम्हारे साथ एक छोटा सा गेम खेलते हैं। ये क्या कर रही हो? पट्टी क्यों बांधी? ये क्या तरीका है इलाज करने का डॉक्टर? बड़ा ही अजीब तरीका है। हम नैना के साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे। अरे डॉक्टर ये क्या कर रही हैं आप? अरे नैना प्रेग्नेंट है, आप जानती हैं ना। अरे प्रेग्नेंट और नो प्रेग्नेंट नो प्रॉब्लम। जो मैं कर रही हूँ वो चुपचाप करो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ये गेम नहीं खेलना। ये गेम तो तुम्हें खेलना पड़ेगा। वो गिर जाएगी। हाँ ठीक है लला, उसे करने दे, वो डॉक्टर है। ठीक हो नैना? नैना को हम ठीक करके रखेगा। चलो गेम खेल। शुभ, अरे उधर नहीं, गिर जाओगी, लग जाएगी तुमको। इधर आओ, पीछे मुड़ो। शुभ, वेरी गुड। इधर, लेफ्ट। तुम्हारा बेबी है ना, ध्यान रखो अपने बेबी का। वेरी गुड। सीधे जाओ। डॉक्टर वो गिर जाएगी। वेरी गुड, कदम आगे बढ़ाओ, नैना चलो। वेरी गुड, आगे चलो। गेम में तो तुम जीत गई, लेकिन अभी जंग बाकी है। चलो नैना, अब हम दूसरा गेम खेलेंगे। चलो कौन है तुम लोग? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ मुझे। बोला तुम शुभ के साले के शुभ चिंतक डॉक्टर अजय। अरे भाई हमारी पेशगी को आगे लाओ। अरे करोड़ों के मालिक हो तुम, सिक्योरिटी के साथ निकलना चाहिए ना, डर नहीं लगता तुम्हें? क्या ये सब मुहिम? भाई तुम्हारा बोझ हल्का करने की मुहिम चल रही है, तुम्हें सहयोग देना चाहिए। देखो मतलब
अरे भाई शुभ का इतना सारा पैसा है, तुम अकेले कैसे संभालोगे? हम है ना, चलो ले जाओ इसे। नर्स, डॉक्टर नैना प्रेग्नेंट है, आप श्योर है ना? निश्चय मिस्टर शुभ, इसलिए हम झटका जोर का नहीं ढील का देंगे। लेकिन उससे होगा क्या? वो क्या है ना मिस्टर शुभ, जब हम ये कार्य नैना के दिमाग में लगाएंगे ना, तो नैना की जो तारे है ना दिमाग की, वो जाग जाएंगे। जो बत्ती गुल हो गया है वो बत्ती ठीक हो जाएगा, और नैना ठीक हो सकती है। देखिए मैं डॉक्टर हूं, मुझे सब पता है। गुड़िया किस लिए? टेस्टिंग, ट्रीटमेंट से पहले टेस्टिंग बहुत जरूरी है। देखिए आप, थोड़ा ज्यादा पावर हो गया, पावर कम करो, पावर कम करो। लेके जाइए। कहा था ना कि तुम अब नहीं बचोगी। शगुन, शगुन तुम? शुभ सर, शुभ सर, मैं आपको सब समझा सकती हूँ। मैंने ये सब बहुरिया, तुम नैना को इस तरह करंट लगाने वाली थी? ख्याल रखने के बजाय उसे जान से मारने वाली थी तुम? नहीं दादी, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती कभी, मैं ऐसे कभी नहीं कर सकती। मैंने तो ये बस इसको एक सबक सिखाने के लिए किया था। मैंने ऐसा नहीं किया। ये सब क्या है शकुन, ये क्या हरकत है? नहीं बुआ, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शुभ सर, मैं आपको सब समझा सकती हूँ। मैं आपको बता दी, नैना हमसे झूठ बोल रही है। क्यों? नैना पागल नहीं है। नैना हम सबके सामने नाटक कर रही है। और इसके पेट में जो बच्चा है वो अजय का है।
चाहिए। उस दिन जो गुंडे आए थे वो इसने बुलाए थे, उसने मुझे गुंडों से पिटवाया था। खान खान पागल, मैं पागल नहीं हूँ। देखो ये नाटक करिए, इसका विश्वास मत कीजिए, पागल नहीं है। क्या बोल रही हो तुम? खान 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 पागल, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर डॉक्टर, नैना मजा आ रहा था। बस करो ये नाटक, बंद करो। शगुन बस, ये क्या बोल रही हो तुम? हालत देखो नैना की, तुम्हें लगता है कि ये कोई प्लानिंग कर सकती है, कोई चाल चल सकती है? बीमार है वो, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। शुभश्री बीमार नहीं है, नैना बीमार होने का नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है, हम सबसे पागल बना रही है, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम, तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम नैना को ठीक करने में मेरी मदद करोगी। ये वो विग, ऐसे मदद कर रही हो तुम मेरी? ऐसे कर रही हो मदद? सबसे मैं जो भी कर रही हूँ हमारी फैमिली के लिए कर रही हूँ। क्यों? डॉक्टर बनने का नाटक क्यों किया? क्योंकि मैं सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी, आप सबको विश्वास दिलाना चाहती थी कि नैना पागल नहीं है। मैंने ये सब आप सबके लिए किया, मेरे विश्वास कीजिए। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। कैसे 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 करो विश्वास? अब मुझे सब समझ आ गया है, तुम सिर्फ नैना को मेरी जिंदगी से और मुझसे दूर कर देना चाहती हो। और कुछ नहीं। तुम ऐसा चाहती थी? नहीं दादी, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने तो जो किया वो परिवार की भलाई के लिए किया, मेरा विश्वास कीजिए। शिव सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैं नहीं शकुन, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, चाहकर भी नहीं। शुभ ये तू क्या बोल रहा है? शगुन तेरी पत्नी है, उसे एक मौका तू दे बोलने का। रहने दीजिए पहुंच। लेकिन शगुन ये मुझे आप किसी को कुछ नहीं समझा, बहुत कोशिश कर ली मैंने। आपने मुझसे धोखे से शादी की, ये रिश्ते की शुरुआत धोखे से की। मैं चाहती थी तो घर छोड़ के जा सकती थी, आपको छोड़ के जा सकती थी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हर पल में हर कदम में मैंने आपका साथ निभाया, और बदले में मैं आपसे क्या मांग रही हूं कि थोड़ा सा विश्वास करो मुझ पे। लेकिन आपसे उतना भी नहीं हो रहा। अरे मैंने कितना कुछ किया आपके लिए, लेकिन आपको कुछ नहीं दिखाई देता। आपको सिर्फ ये पागल नैना दिखाई देती है। मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि कोई भी इंसान आपका फायदा ना उठा सके। लेकिन बस अब और कोशिश नहीं करूंगी। आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको तो बस इस जिम्मेदारी की पड़ी है। अगर ये जिम्मेदारी आपके लिए इतनी जरूरी है तो मैं क्या कर रही हूं इस घर में? मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं शुभ सर। आपको आपकी जिम्मेदारी मुबारक हो, रही आपकी जिम्मेदारी के साथ। नहीं शगुन, शगुन सुनो तो, तुम
वो चली गई, शगुन घर छोड़कर चली गई है। वो जा रही है लल्ला, रोक उसे। वो चली गई है। चली गई? हाँ लल्ला, हाँ वो सच में चली गई। हाँ मुझसे गलती हो गई बुआ, दादी मुझसे गलती हो गई। मैंने उसमें भरोसा किया, मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई मुझसे।